विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हमने इस पे दो सेशंस ले लिए जिसमें हमने प्रश्न और उत्तर डिस्कस करे थे। आज एक और सेशन ले रहे हैं जिसमें हमारे थोड़े से जो और प्रश्न बचे हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। तो सबसे पहले हम संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस विलयन में उसी ताप पर अब और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये है कि जिस संतृप्त विलयन जिसमें हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और कुछ नहीं घोल सकते हैं, वो हो गया हमारा सैचुरेटेड विलयन। उदाहरण 293 के पर 100 ग्राम जल में से अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है, अतः नमक और जल का ये संतृप्त विलयन है। तो इस टेम्परेचर पे हम सिंपल जो 100 ग्राम जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमारा जल की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसमें जब हम और अधिक नमक नहीं घोल सकते तो वो हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ का। पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। तो हमें अगर किसी की शुद्धता, अगर हमें जल की शुद्धता देखनी होती है तो हम उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट से चेक कर सकते हैं। अगर वो 100 डिग्री पर बॉइल हो रहा है इसका मतलब शुद्ध है, और अगर वो उससे पहले या बाद में बॉइल हो रहा है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक अशुद्ध चीजें प्रेजेंट हैं। और इसमें सोडियम क्लोराइड, पानी आदि ये शुद्ध पदार्थ का हम एक उदाहरण दे रहे हैं। कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। दूध, रक्त, स्याही, साबुन का घोल आदि ये सब हमारे कोलाइड के एग्जाम्पल्स आ गए। तो हमने इसमें कणों का बहुत ध्यान रखा है कि कण किस प्रकार के होते हैं। अब निलंबन का देखते हैं। तो ये एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। चौक और जल का मिश्रण, गंदा पानी, पेंट आदि। सो ये हमारा आज्ञा निलंबन के बारे में। अब जो हमारा एक और प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण हो गए सोडा जल, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। विषमांगी मिश्रण हुए लकड़ी, बर्फ, मिट्टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो शुद्ध जल गंधहीन तथा स्वादहीन होता है तथा शुद्ध जल के हिमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यदि दिए हुए द्रव का हिमांक 0 डिग्री सी और क्वथनांक 100 डिग्री सी है तो ये शुद्ध जल है। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात करी थी कि हम अगर हमारा प्रॉपर अगर वो 100 डिग्री सी पर अगर कोई पानी हमारा बॉयल हो पा रहा है इसका अर्थ है वो जल शुद्ध है। अब हम जो है एक और आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? तो देखिए, बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। कौन से शुद्ध पदार्थ हैं? तो देखते हैं कौन से शुद्ध पदार्थ हैं। लोहा ये शुद्ध पदार्थ है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ये हमारे आ गए शुद्ध पदार्थ। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। अब देखिए ये सारे हैं मिश्रण। अब इसमें हमें पहचानना है विलयन कौन से हैं। विलयन बताइए कौन से होंगे, समुद्री जल, वायु है ना, और सोडा जल।
जो हमें सोडा वाटर मिलता है, हमें क्या पता ही नहीं चलता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है और जल का है ना। तो ये हो गए हमारे, ये सारे मिट्टी में मिश्रण है लेकिन विलयन नहीं है, है ना। और फिर कोयला भी, ये भी मिश्रण है लेकिन विलयन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव का प्रभाव को प्रदर्शित करता है, अतः दूध और स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमने देखिए, ये हमने तब भी पढ़ा था। और ये नमक का घोल, ये तो प्रॉपर एक विलयन हो जाता है। और हम देखते, ये हमने सेशन में भी पढ़ा था कि अगर हम टॉर्च की उसमें रे डालेंगे तो क्योंकि उसमें पार्टिकल से वो बहुत ही छोटे होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं, तो हमें एक दिखाई नहीं देते हैं, तो वो जो लाइट हम डालते हैं उसको स्कैटर नहीं कर पाते। और कॉपर सल्फेट का भी ये पूरा एक यूनिफॉर्म बन जाता है, इसमें हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई ही नहीं देते हैं, इसलिए ये दोनों टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। ये इतना आपके सामने है, तो इसमें से जो है कुछ तत्व है, कुछ यौगिक है और कुछ मिश्रण है। तो इसका हमने सोचा कि बेस्ट इस टाइप से आपको आंसर दे तो आपको इजी होगा। तो जो आपकी लंबी लिस्ट थी उसमें तत्व आ गए सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन। यौगिक आ गए कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड। और मिश्रण आ गए चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला, रक्त। क्लियर? तो हमने ऐसे कॉलम बना के आपको सारे नाम दे दिए। अब हमारा एक और जो आज का प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनाना, मोमबत्ती का जलना। तो इसमें कौन से रासायनिक परिवर्तन है? पौधों की वृद्धि, बताइए। जंग लगना, चलिए रासायनिक परिवर्तन है। और खाना पकाना भी है। चलिए आपने कुछ गैस कर लिए, आंसर चेक करते हैं। तो हमारे रासायनिक परिवर्तन में पौधों की वृद्धि, क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है और इससे हम देख रहे हैं कि पूरा उसका एक सिस्टम ही चेंज, कि जो बीज है वो अब उसमें जड़े आ गई हैं, तना आ गया, पत्तियां आ गई हैं, है ना। तो ये सब एक चेंजेस हो रहे हैं। फिर जंग लगना, ये तो एक रासायनिक क्रिया है ही। फिर खाना पकाने की, ये भी रासायनिक क्रिया में आता है। भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। और फिर अगर हम ये देखें, जल से बर्फ का बनाना या लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, यह रासायनिक क्रिया में नहीं आता है, क्योंकि हम जब लोहे के चूर्ण और हमने ऐसे मिट्टी कुछ मिलाई है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं और वो अपने जो करेक्टरिस्टिक है उनका वो मेंटेन रहता है जब वो मिक्स भी हो जाते हैं। तो ये एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम जितना ऐसे पढ़ते जाएंगे हमें और क्लियर होता जाएगा। तो बच्चों, आज हमारा ये सेशन भी कंप्लीट हो गया प्रश्न उत्तर का, और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आपसे मिलेंगे। तो आपके सामने अब इस जो आपका पार्ट है सेकंड चैप्टर, इसका हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, प्रश्न उत्तर सारे कर लिए। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आपके पास और ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनके उत्तर देने आपको कठिन लग रहे हैं, या आप एक चाहते हैं जो आप सोच रहे हैं वो आंसर आप ठीक सोच रहे हैं या नहीं, या जिस तरीके से लिख रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ऐसी कुछ भी क्वेरी है, कहीं कोई डाउट है, आप ऐप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो पढ़िए, रिवाइज करिए, समझिए, याद करिए और ये चैप्टर तैयार करिए और नेक्स्ट सेशन अटेंड करिए नया चैप्टर समझने के लिए। मिलते हैं फिर से, बाय।